हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग टैली में अलियाज नेम का प्रयोग करते हैं, या अलियाज नेम होता क्या है, इसका रिक्वायरमेंट क्या है और किस कंडीशन में इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया क्या है, समझने की कोशिश करना। मतलब यह सेम है जैसे यह जिसे खरीद रहे हैं, क्या नाम है उनका, कंप्यूटर एम्पायर, क्लियर है, ये भी डिटेल सेम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, इसलिए मैंने बोला था कल मैं आपको बताऊंगा तब आप लोग कर पाओगे। देखिए हमें बताया जा रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, तो यहाँ पे तो ऊपर तो समझ में आ रहा है कि लैपटॉप से लैपटॉप बैटरी पार्ट डेल 50 10, उसके बाद से लैपटॉप लैपटॉप एचपी 9470 कीबोर्ड और एचपी आर 15 कीबोर्ड, दिख रहा है आपको, ये तो क्लियर है, ये तो आइटम है। लेकिन जो ये नीचे जो दिया है नाम, ये जो नेम दिया है, ये जो नेम दिया अलियाज नेम दिया है, क्या नाम दिया जी, अलियाज नेम, इसका बोलते हैं उपनाम। क्या बोलते हैं, उपनाम, मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको और मतलब किसी और नाम से भी जाना जाता है, उसे बोलते हैं अलियाज नेम, उपनाम। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का गांव का नाम है रोहन और स्कूल में चलता है संदीप, क्लियर है, तो कई जगह लोग दोनों बताते हैं संदीप और रोहन दोनों, जिसे आगे चल के क्लियर हो सके, और कोई गांव में जाकर पूछता है तो रोहन नाम कोई बताए तो संदीप बता सके। वैसे ही क्या होता है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसका जिसको और भी नाम से जाना जाता है, जैसे जो हमारा ये डेल जो बैटरी है इसको लैपटॉप लैपटॉप डेल 4010 के नाम से भी जाना जाता है और 5010 के भी नाम से जाना जाता है। तो मान लो हमारे पास कस्टमर आए और हमसे पूछ रहा हो कि आपके पास मॉडल नंबर 4010 है, हमने केवल बनाया है 5010, हम बोलेंगे नहीं नहीं, ठीक है, वो कस्टमर हमारा वापस हो सकता है। लेकिन अगर अलियाज नेम का हम इस्तेमाल किए हैं तो हम आसानी तरीके से बता सकते हैं, चेक करके बता सकते हैं 4010 5010 जी, मतलब 4010 सेलेक्ट करो तो यही आइटम लेगा, 5010 सेलेक्ट करो तो यही आइटम लेगा। मतलब उपनाम का मतलब क्या है कि वह प्रोडक्ट वह पार्टी वह आइटम और भी किसी नेम से जाना जाता है मार्केट में, उसके लिए वो अलियाज नेम देते हैं। जैसे मान लो मोहन ट्रेडर्स हो, तो मोहन ट्रेडर्स को मार्केट में मोहन बाबू के नाम से जानते हैं, एमटी ट्रेडर्स के नाम से जानते हैं, मोहन के नाम से जानते हैं, उसके लिए अलियाज नेम दे सकते हैं, उपनाम दे सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों में एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है, एक मैं आइटम से भी बताऊंगा और पार्टी नेम से भी बताऊंगा। चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैसे इसका प्रयोग करेंगे, क्या इसका स्टेप है। तो आज मेन टॉपिक हमारा क्या है, अलियाज नेम कैसे प्रयोग करेंगे, आइटम क्रिएट करते समय इसका इस्तेमाल करते हैं, कैसे मेंशन करते हैं, तब लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आसानी तरीके से हम लोग कर ले जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसके लिए सबसे पहले हमको आइटम क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हम पार्टी नेम पहले से क्रिएट कर चुके हैं। बोलो, कंप्यूटर एम्पायर पहले से ही है, बोलो, बस हमें यह आइटम्स क्रिएट करने हैं। इसके लिए क्या करना होगा, टैली को ओपन करते हैं, सबसे पहले कंपनी सेलेक्ट करते हैं, कल कौन सा ऊपर वाला बनाया था ना हमने, डेट चेंज कर लेते हैं, धीरे से नहीं बैठते हो, जानते हो उसके बाद से ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हमने अपने कंपनी को भी ओपन किया
अब क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले कहाँ जाएंगे? क्रिएट में, और पहले आइटम क्रिएट करते हैं हम लोग। यहाँ पे आ जाएंगे स्टॉक आइटम में। अब देखो स्टॉक आइटम आने के बाद से यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है इसको हम बनाएंगे। तो लैपटॉप लैपटॉप बैटरी फॉर डेल 50-10 को आना है और बनाना है। लैपटॉप बैटरी, ये क्या है जी? लैपटॉप बैटरी पर डे, क्या है मॉडल नंबर? 50-10। अब देखो इसी के नीचे देखो यहाँ पे लिखा है अलियास, दिख रहा है यहाँ पे? तो यही पे हमको ये मेंशन करना है क्या नाम है और किस नाम से जानते हैं। लैपटिक्स लैपटॉप डेल 40-10, तो बस यहाँ पे लिख देंगे। लैपटॉप डेल 40-10, बस कुछ नहीं करना है। अंडर ग्रुप, ये बैटरी एक प्रकार का है, अल्सी और इंटर क्या करेंगे आप? यस बैटरी, और एचएसएन कोड क्या दिया है? 8507 8507। टैक्सेबल और कितना परसेंट टैक्स? 18%। पीसेस कुछ नहीं करना है, जीएसटी एप्लीकेबल, और यहाँ क्या करना है इसको एक्सेप्ट कर लेना। क्लियर है सबको? चलिए सेकेंड आइटम है लैपटॉप लैपटॉप एचपी 9470 कीबोर्ड, लैपटॉप एचपी 9470 क्या है यार? कीबोर्ड है। अलियास नेम क्या है इसका? HPR 15 कीबोर्ड, कीबोर्ड ये अलियास ने इस नाम से भी इसको जाना जाता है। अब बस इंटर, और भी किस नाम से जाना जाता है दे देंगे, अब कुछ नहीं करना। अंडर ग्रुप क्या है? कीबोर्ड, कीबोर्ड ही है ना यार? चलिए बना नहीं है क्या कीबोर्ड? अल्ट सी कर देंगे कीबोर्ड, यस कीबोर्ड, एचएसएन कोड 8471। हो गया, उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद से जीएसटी कितना परसेंट है? 18%। हो गया, विशेष और एक्सेप्ट कर लिया। अब चलिए इसको क्वेश्चन को ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो बैक आएंगे, अब बैक आने के बाद से कहाँ आएंगे? बाउचर, और बाउचर के बाद F9 दबाना है। परचेज बाउचर के लिए सप्लायर इनवाइस नंबर, जो सप्लायर इनवाइस नंबर दिया कितना दिया है? 18-20, तो लिखेंगे 18-20। क्लियर है? उसके बाद इंटर डेट है तो एक ठीक है। पार्टी नेम कंप्यूटर एम्पायर, परचेज लेजर लोकल, नेम ऑफ आइटम। तो देखो नेम ऑफ आइटम, अगर कोई मान लो कस्टमर आ गया, अब बोला 40-10 मॉडल नंबर बताया, तो देखो 40-10 जैसे लिखेंगे अपने आप वो आइटम सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है आपको? इंटर दबाएंगे तो आइटम नेम पूरा आ जाएगा, लैपटॉप लैपटॉप बैटरी फॉर डे। अगर कोई कहता है वैसे 50-10 तो लिख देंगे 50-10, बस इंटर, यही फायदा होता देने का। क्लियर है? तो कस्टमर हमारे जो होंगे ठीक है वापस नहीं जाएंगे, हम आसानी तरीके से प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो चलिए रेट प्राइस क्या है इसका? 1093 रुपया। अच्छा क्वांटिटी एक, एक रेट 1.9322। क्लियर है? उसके बाद से इंटर, फिर से लेफ्ट, एक और है, हो गया बाबू। क्वांटिटी एक, रेट
635 रुपये 60 पैसे, 635 60 पैसे, क्लियर है। अब उसके बाद जीएसटी लगाना सिंपल है, बस वैसे ही था, बस नया इसमें क्या था, आलियाज ने हमको आपको बताना था, जिससे आप आसानी तरीके से रिपोर्ट चेक कर सको और दे सको। चलिए आते हैं इंटर, और क्या लगाते हैं, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, और इसको क्या कर लेंगे हम लोग, सेव कर लेंगे। लेकिन जब हम लोग पेजअप करेंगे और अल्ट पी करेंगे, करेंट प्रिंट पे आएंगे और प्रीव्यू पे आएंगे, देखिए यहाँ पे आलियाज ने मेंशन नहीं हो रहा, शो नहीं हो रहा है, हमको उसको भी शो कराना इसके अंदर, इसके लिए फिर से बैक आएंगे और बैक आएंगे और आ जाएंगे कॉन्फ़िगर में, और कॉन्फ़िगर में आने के बाद से देखिए यहीं पे ऑप्शन आएगा, डिस्प्ले नेम फॉर स्टॉक आइटम, करंट नेम ओनली दिख रहा है ना आपको, यहीं पे इंटर दबाना है। अब इंटर दबाने के बाद देखो इतने सारे ऑप्शन आ गए, यहीं पे देखो हमको आलियाज नेम चाहिए या नेम के बाद आलियाज नेम चाहिए, तो बोला कि नेम उसके बाद आलियाज नेम, तो यहाँ पे देखो नेम आलियाज सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर कंट्रोल ए, उसके बाद से कहाँ आएंगे, प्रीव्यू में, तो देखिए यहाँ पे अब आलियाज नेम भी शो हो रहा है, लेफ्ट लैपटॉप डेल 40-10, मतलब वो कंफ्यूजन में नहीं रहेगा कि हम 40-10 मांगे हैं तो केवल हमको क्यों 50-10 दिया जा रहा, समझे। तो यहाँ पे दोनों हमने मेंशन करके दे दिया, हमने 94-70 मांगा था, क्यों यहाँ पे इन्होंने यह दे दिया, तो ये आलियाज नेम होता, सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स आ गया, टोटल बिल यहाँ पे आ गया, क्लियर है। तो आप आसानी तरीके से मेंशन कर ले जाएंगे और इसका इस्तेमाल कर ले जाएंगे। तो पहला भी बताया, दूसरा भी बता दिया, और तीसरा और चौथा तो आप लोग कर ही लिए होंगे, चौथा तो सेम था, तो तीसरा बताए हैं, चलिए आ जाइए छठवें नंबर पे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे टैली को ओपन करते हैं और एक बनाते हैं फॉक्सिन मदरबोर्ड G41 DDR, ठीक है, सेकेंड, तो इसको बनाना पड़ेगा, हम नहीं बनाए, ठीक है, तुम लोग भी नहीं बनाओगे, ये पहला बार क्वेश्चन आ रहा है, तो चलिए इसको बैक आते हैं और फिर से बैक आते हैं, कहाँ आना पड़ेगा बाबू, क्रिएट में, क्रिएट में आने के बाद स्टॉक आइटम, आइटम है तो लेजर कहाँ जाए, अभी तो क्लियर नहीं है, अभी फॉक्सिन मदरबोर्ड, मदरबोर्ड, उसके बाद से क्या है, G41 DDR, इंटर, उसके बाद से देखिए यही पे पार्ट नंबर देना है, सीरियल नंबर, इसके लिए यही पे दबाएंगे F12, क्या दबाएंगे, F12 आएंगे, और यही पे देखिए ऑप्शन दिया है, इसको भी यस करो, सो मोर कॉन्फ़िगरेशन, यस, और यस करने के बाद से यही पे आपको मिलेगा पार्ट नंबर का ऑप्शन, ना प्रोवाइड पार्ट नंबर फॉर स्टॉक आइटम, देखिए इसको क्या करना है, हमको यस करना है, और यस करके कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। अब देखिए यहीं पे ऑप्शन आ लिया है, नेम तो देना नहीं, इसका है नहीं, यही पे पार्ट नंबर पूछा जा रहा है, तो चलिए जो पार्ट नंबर दिया है उसको हम लोग क्या कर लें, मेंशन कर लें, तो FBMG बोल देना थोड़ा, FBMG FBMG इकतालीस 200 400 919 हो गया बाबू, चलिए ध्यान दीजिएगा, तुम लोग बोलते रह जाओगे, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से हमने पार्ट नंबर दे दिया, सुन लो, और भी इसका आलियाज और भी कोई नाम और कोई पार्ट नंबर है तो दे सकते हो, तब एक ही देना है, इसमें कई ठो दिया है ना, हमको एक ही देना है, एक ही से हम लोग पूरा वेरीफाई कर लेंगे, और भी देना है तो दे सकते हो, टाइम है तो आपके पास, इंटर अंडर गुरु मदर, क्या है यार, मदरबोर्ड
मदर हाँ पूरा बोला करो, क्रिएट कर दिया, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। और अगला है इंटेक्स टेक्नो, क्या है SMPS? अच्छा वाह के फ्लो में तो वही उस प्रोडक्ट का क्या है उसका शॉर्ट में बताते हैं। टेक्नो SMPS, उसके बाद से इसका भी पार्ट नंबर देना है ना, जो भी है यहाँ पे दे देंगे 21 210, कॉपी वाला नहीं सुविधा, 210 215 210 215। पांच सौ तिहत्तर 10 20 5 10 20 36 10 20। चलो रैंडो, फाइव टू पर कहाँ है, पता नहीं कैसे देख रहे हो तुम 36 22। अरे रुको यार, क्या देख रहे हैं, 36 22 824 22 824। कहाँ से भाई, यहाँ पे ना, एक देंगे कोई बस इंटर देना है तो दे सकते हो अलियाज में। हाँ अलियाज में ऑप्शन है अंडर ग्रुप SMPS पीसेस, बस अब बैग आएंगे और उसके बाद कहाँ जाएंगे, वाउचर। और उसके बाद से आने के बाद से यहाँ पे पार्टी नेम, कौन सा पार्टी नेम है, कंप्यूटर एम्पायर, और एक और बनाना पड़ेगा, ये दो बना दिए, भी बनाना है डायरेक्टली बना देंगे, इसमें वो तो डालना नहीं, पार्ट नंबर आ जाते हैं। और इनवाइस नंबर क्या दिया इसको देख लेते हैं, 1983 तो लिखते हैं 19 डेट 1 अप्रैल, पार्टी नेम कंप्यूटर एम्पायर, परचेज लोकल, आइटम नेम फॉक्सिन, ठीक है, कितना है क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी, रेट क्या है 17 28 81। दिस इज सेकेंड इंटेक्स, कितना पीस, 3, रेट 50 पैसा। हो गया बाबू, एक और है अल्ट सी कर लेंगे, और वह है हमारा टिक कंपोज सीपीयू। सीपीयू फैन, चलो मदरबोर्ड से रिलेटेड है, मदरबोर्ड में डाल देते हैं, कितना क्वांटिटी है, 3 इसका भी है। अरे यार उसी में डाल, वो मदरबोर्ड में लगाएंगे, ठीक है, क्या है टेक सीपीयू का फैन है, ठीक है, उसके लिए कैटेगरी बनाते रह जाएंगे, समझे, 135 पे 69 पैसे। हो गया बाबू, उसके बाद से क्या करना है, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, टोटल देखो, यहाँ पर राउंड अप लगाना पड़ेगा जी, राउंड अप कितना आ गया, 8085 रुपये, यहाँ पे कितना आया है, 8085 रुपये। तो ऐसे आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलो अब प्रिंट में दिखा रहा हूँ, कंट्रोल ए, सेव हो गया, और पेज अप दबाते हैं, और उसके बाद अल्ट पी करते हैं, करेंट प्रिंट करेंगे, और आ जाएंगे कहाँ पे, प्रीव्यू पे, और उसके बाद से देखिए यहाँ पे बिल में मेंशन हो रहा है, लेकिन देखो सीरियल नंबर नहीं मेंशन हो रहा है, ये भी चाहिए तो क्या करेंगे, बैक स्पेस,
कहाँ आना है? कॉन्फ़िगर। उसके बाद नीचे आ जाएंगे और देखो यहीं पे लिखा है डिस्प्ले नेम फॉर स्टॉक आइटम इंटर, और इस बार क्या चाहिए? नेम और पार्ट नंबर, बस कंट्रोल ए। अब प्रीव्यू देखेंगे तो पार्ट नंबर भी दिखाएगा, नहीं दिख रहा है यहाँ पे? तो हम आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन रिकॉर्ड करके देख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं।